वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। ये बिजनौर तो आए ने यूपी तो, यह बिट्टू भीर जी की वीडियो देखी थी, बिट्टू तो वो फैमिली है, ये पापा ने, ये ब्रदर ने, ये जीजा जी ने, तो असं उन्हें बिट्टू नूं मिलावांगे। तो असी बिट्टू भीर की तुसी वीडियो देखी थी, साढ़े पट्टियां ढाहां पिंड आ इत्थे लुधियाने जिले का ही, उत्ते सरपंच आ साबका सरपंच शीरा पापा आए, चलो मिलो। तुम इतनी दूर क्यों निकल आए थे बिट्टू? पापा से, पापा भी ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, भाई भी ढूंढ रहा है, सब रो रहे हैं घर पे, बिट्टू कहाँ चला गया, बिट्टू कहाँ चला गया है? हाँ, इनको बताओ, तेरे को कौन लेके आया था वहां से? हाँ, यूपी से। हाँ, कौन लेके आया था बताओ? बिहारी। इसको ये बोलता है, मारा मेरे को बहुत उन्होंने, इनको चोटें लगी हुई थी काफी, पीटा हुआ था बहुत इसको किसी ने। ये बोलता है किसी बिहारियों ने इसको पकड़ लिया, वो इसको लेके आए ट्रेन में, पीटते ही लेके आए इसको। पानी तक का तो पीने दिया ना था, ना खाने दिया था, ना दिया ट्रेन में, ट्रेन में तो फूट गया था मैं। तो ये बात आपको सच लगती है इसकी, ऐसा हुआ होगा? झूठ बोल रहा है? झूठ तो नहीं, पानी जो देखो तेरा भाई आंखों में पानी भरे खड़ा है, जफ्फी पाओ भाई को, अरे उसको जफ्फी पालो, कौन है जी, कितना प्यार करता है प्रीतम तेरे को, आगे से नहीं घर से थोड़ी लेके आया तेरे को, वही तेरे को कहाँ मिला था? तो तुम ट्रेन पे करने क्या पहुंचे फिर, जब अच्छे नजर आपको सो रहे हो फिर? घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था इसके साथ? कुछ भी नहीं। ओके, जब घर में सो रहे हो रात को 11 बजे, तो फिर ट्रेन पे करने क्या पहुंचे तुम? जब कोविड खराब हो गई, घर वालों ने इस मारे मोबाइल तक का फोड़ दिया था मैंने घर, यो भी कह रहा कहां कभी यो ठिका जा ठिका जा, फिर मैंने तो खाना खाने के नहीं हो घर पे, खा तो खाने को बोलने के नहीं घर वाले, तो फिर मोबाइल किसने फोड़ा था? क्यों? अरे तेरे भाई पापा कितना दुखी है सारे घर पे, माँ दुखी है, भाभी दुखी है, बच्चे सब परिवार के मेंबर दुखी, बहन दुखी है, मेरा कहाँ चला गया बिट्टू हमारा, तो तू बिट्टू आगे से ऐसा काम नहीं करना बेटा। देखो किसी गलत बंदे के हाथ चले जाते तो जिंदगी में कभी घर पे नहीं जा पाते, अपने पापा को नहीं मिल पाते, मम्मी और भाई को नहीं मिल पाते। बिट्टू भाई भगवान ने कृपा कर दी है तेरे ऊपर, ठीक है? हाँ जी, ते ध्यान रखना आगे से, ठीक है? घर चले जाओगे आप? पापा के पास रहोगे ना घर पे? पक्का? तो सरपंच साहब का धन्यवाद करोगे नहीं, सरपंच साहब जो तेरे को छोड़ के गए थे यहाँ पे? हाँ, बोल के उनको बोल दो कैमरे में भी, सरपंच साहब आपका बहुत धन्यवाद, क्या बोल दो सरपंच साहब? मैं तो प्रधान बोल दो, चलो ਪੰਦਰਾਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ 25 ਜੂਨ ਆ, ਮਤਲਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾ, ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੌਣ ਸਾ? ਬੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਛੋਟਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੈ,
तो उतों ये वीर किसी तरीके पता नहीं कोई लै आया जा आपे आ गया ट्रेन च बैठ गया दस दस मिनट च कुटिया भी कुछ लोगों ने बिहार के कुछ बंदे से जिहड़े कहिंदा उन्होंने कुटिया भी मैनू हुण सच आ जां की आ रब नूं पता पर यह पंजाब आ गया पंजाब दे विच भी किवें किवें करदा कराउंदा ये भट्टियां पिंड आ रेलवे स्टेशन तो करीब 15-20 किलोमीटर दूर होगा ट्रेन उतरिया होगा जां किवें आया उत्थे पिंड पहुँच गया तो उत्थे पिंड दे सरपंच ने इहनूं देखिया घूमदे होए नूं कपड़े भी वाहवा गंदे पाए हुए सीगे ते होर ही गल्लां करी जांदा सी कमलियां जिहियां तां उन्होंने इनू नमाया धवाया अपने घर लेके गए इशनान पानी कराया रोटी पानी खवाया एक दिन उत्थे कोले भी रखिया फिर दूसरे दिन बाद वीर हुणां ने उपराला किया इत्थे साडे कोल लैके आए तो असी इहदी वीडियो शेयर की सोशल मीडिया से तो उदों इहदा पुछिया इहदा पिंड का नाम पुछिया कौन आ तू कित्थों आ फिर इहने एक फोन नंबर दिता सानूं तो वह फोन नंबर से अभी फोन किया तो जीजा जी ने गल हुई साड़ी तो अज ये बिजनौर तो यूपी तो लैन आए ने अपने परिवार के मैंबर नूं बाप अपने बेटे नूं लैन आया एक भाई अपने भरा नूं लैन आया कि तुहाडियां दुआवां दा तुहाडियां अरदासां दा तुहाडियां असीसां दा असर आ जां तुहाडियां सोशल मीडिया से शेयर कीतियां होईयां साडियां वीडियो आ जिहड़ियां उहदे सदके असीं इदां सैकड़े मैंबरां नूं आउण तक घरां 'च पहुँचा सके हाँ इस तरह जिदा अजय वीर घर गया चलिया वा इदा ही हज़ार के करीब मैंबर घर जा चुके ने ते ए सब कुछ उस अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा वो तो बिना संभव आ तो बिना कुछ नहीं हो सकता तो सारे का धन्यवाद है जी अरदास करो बिट्टू अगला जीवन अपने घर बतीत करे अपने अपने परिवार के आपका भी धन्यवाद आप लोग लेने आए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।